चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. राइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15. राइट, दैट इज कंजंक्शंस. राइट, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द वोकैबुलरी पार्ट. हम लोगों को आज क्या पढ़ना है बेटा, वोकैबुलरी पार्ट हम लोगों को आज स्टडी करना है. चलिए, द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव इज बीक. द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव इज व्हाट, दैट इज बीक, अ बर्ड्स प्रोजेक्टिंग जॉ. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ये ईगल है. ईगल की ये क्या है, यहाँ पे ईगल की यहाँ पे ये बीक है, जिसको हम बोलते हैं ना चोच. ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सी बार बर्ड्स की जो होती है आगे, उसको क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, उसको हम इन इंग्लिश वी कॉल इट बीक. व्हाट वी कॉल इट बीक. राइट, अ बर्ड्स प्रोजेक्टिंग जॉज. और बेसिकली क्या होती है, ये बर्ड्स की जॉज ही होती है. ठीक है, नाउ हाउ दे यूज इट, दे यूज इट टू ईट देयर फूड. है ना, ये जॉ, क्योंकि दे कैन नॉट ईट देयर फूड बाय हैंड्स. जैसे हम लोग खाते हैं हमारा हैंड चूज करते हुए, दे डोंट ईट देयर फूड इन दैट मैनर. व्हाट दे यूज देयर बीक, ये अपनी बीक को यूज करते हुए अपने फूड को इनटेक करते हैं. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स. इसका सेकेंड वर्ड है हमारे पास में फेदर्स. फेदर्स का क्या होगा, फेदर्स का होगा प्ल्यूम. फेदर्स का क्या होगा, प्ल्यूम. फेदर्स मतलब आपको पता ही है, ये जो ये आप पिकॉक देख रहे हैं, ब्यूटीफुल सा पिकॉक आपके सामने है, तो यहाँ पे इनकी क्या निकले हुए हैं, फेदर्स निकले हुए हैं इतने सारे. ठीक है, आई होप दैट यू ऑल लव पिकॉक, इट इज अवर नेशनल बर्ड एज वेल. पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. राइट, तो आपका जीके भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो चुका है अभी. तो बेसिकली फेदर्स को हम क्या भी बोलते हैं, प्ल्यूम बोलते हैं. और ये पिकॉक के जो ये फेदर्स हैं, इनको क्या कहा जाएगा, प्ल्यूम कहा जाएगा या फेदर्स कहा जाएगा. राइट, so that is your feather. I know you know this thing, but still we must know how to tell the meaning or how to tell the meaning of these words. Right, agar koi aapse pooch lega ki bataiye beak kya hota hai, so you can tell that. Next word we have is sail. Sail means hota hai to travel by ship or by boat, yani ki ship ke through ya boat ke through kahin pe travel karna. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे. S A I L, like you can see here, it is the sea or it's the ocean or river, you can say. और यहाँ पे क्या है, एक बोट है. ठीक है, दिस इज द बोट. ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू जो पर्सन यहाँ पे ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, उनके लिए वर्ड यूज किया जाएगा, सॉरी इस ट्रेवलिंग को क्या कहा जाएगा, सेल कहा जाएगा. और जो पर्सन ट्रेवल करते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेलर. एस ए आई एल ओ आर, सेलर. एस ए आई एल ओ आर, सेलर. सेलर कौन होता है, जो सेल करते हैं. सेल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करना बाय शिप और बाय बोट. आई होप दैट इज क्लियर, इट इज अगेन वेरी सिंपल. राइट, चलिए नेक्स्ट वर्ड टायर्ड. देखिए टायर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता है, आई नो दैट एंड यू ऑल्सो नो दिस थिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायर्ड. बट हियर व्हाट वी कैन लर्न इज, वी कैन लर्न द सिनोनियम्स ऑफ टायर्ड. है ना, ये जो टायर्ड है इसके सिनोनियम्स हम लोग लर्न कर सकते हैं. राइट, कैसे, देखिए टायर्ड का अगर सिनोनियम्स आपसे पूछ लिया जाए तो यू कैन रिप्लाई ड्रेन्ड. ड्रेन मतलब भी क्या होता है, टायर्ड ही होता है. एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड ऑल्सो मीन्स वॉट, एग्जॉस्टेड ऑल्सो मीन्स टायर्ड. एंड द लास्ट वन इज फेडअप. फेडअप, फेडअप ऑल्सो मीन्स टायर्ड. एंड वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायर्ड, थक जाना. राइट, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट टायर्ड मीन्स ड्रेन और एग्जॉस्टेड और फेडअप. राइट, नव्यांशी, आई विल टॉक टू यू एट द एंड ऑफ द क्लास. First of all, let me complete the session and then I will talk to you. I have told you 1000 times, when you sit in the class, sit in a very proper position. All right, चलिए क्लास में वापस आ जाइए. मतलब discussion हम लोग करते हैं vocabulary का. The last word of today we have is thirsty. Thirsty means feeling a need to drink water. यानी कि आपको क्या है, आपको water drink करने की अब need हो रही है. Let's suppose I'm taking class from morning 9 o'clock. Right, I'm taking class from 9 o'clock and it's 11:30 right now, 11:40 right now. So what I'm doing, I'm feeling now, I'm feeling thirsty because now I feel a need to drink water. And मुझे क्या need हो रही है, water drink करने की need हो रही है. So how I'm feeling, I'm feeling thirsty. Right, so that's all about your today's vocabulary session. We had only that much part for our today's class. Right, I have told you in the starting only that our session will be for only 4 to 5 minutes because it's very small vocabulary session, right? In tomorrow's session, we will be completing the conjunction part as well completely. ठीक है, पूरा complete हो जाएगा. And just now, I will be sending you answers of prepositions, right? That you have to do in your book, right? Thank you everyone for attending the session. Bye bye. Have a great day.